नरवाना में कांग्रेस प्रत्याशी विद्या रानी दनौदा ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों से वोट देने की अपील की। जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं, हमारी पार्टी ने हमारा मैनिफेस्टो मजबूत तरीके से पेश किया है जिसके चलते लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही किसानों की कर्ज माफी के वादे को फौरी तौर पर पूरा किया जाएगा। हमारा पार्टी से कोई किसी अन्य से मुकाबला नहीं है, क्योंकि स्टैंड ही नहीं करती कोई पार्टी। हमारा मैनिफेस्टो इतना मजबूत आया, हम इतने विकास कराएंगे, कहीं भी खड़ी है कोई पार्टी, बहुत अच्छी चीजें आई हैं उसमें। किसान, मजदूर, व्यापारी, गरीब आदमी के लिए उनके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, महिलाओं को बस के फ्री सफर कराया जाएगा और हमारे व्यापारियों के लिए व्यापार आयोग का गठन किया जाएगा, किसानों को उनके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, सातवां वेतन आयोग लेकर आया है लागू किया जाएगा और बिजली के लिए 300 यूनिट तक की बिजली खरीदी जाएगी और इससे ज़्यादा अगर कोई यूज़ करता है तो उसका रेट आधा कर दिया जाएगा। किसानों की जीरी ये सरकार अब इलेक्शन के मारे जीतनी है जीरी भी, अगर इसकी सरकार आ गई ना तो बिल्कुल लोगों की जीरी रुल जाएगी।